एकदम स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल एमएसडी विद मी में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। ये नाम से दिख रहा है कि काफ़ी एक धांसू अवार्ड है जो हर किसी को नहीं मिल सकता। चैंपियंस ऑफ द अर्थ हर कोई नहीं हो सकता। तो ये जो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है, ये मिला है माननीय हमारे प्रधानमंत्री भारत की। आप फोटो देख पा रहे हैं, ये कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है चैंपियंस ऑफ द अर्थ। दिया किसने? यूएन के जो अध्यक्ष हैं, तो यूएन जो संस्था है उसने ये अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी जी को। ये यूएन के अभी अध्यक्ष हैं, ठीक है। तो यूएन ने दिया नरेंद्र मोदी जी को, और किस चीज़ के लिए दिया? क्योंकि हम करंट अफेयर से ये चीज़ें देख रहे हैं, और ये जो है ना इतनी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स जो भी होने वाले, इसमें जरूर इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि अभी तक ये अवार्ड इंडिया में नहीं आए थे, ठीक है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इन्हें मिलने वाला है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी गहरे में जा लेते हैं। दिया किसने? यूएन ने मिला किसे? नरेंद्र मोदी जी को। और ये किस क्षेत्र में दिया गया? तो देखो भैया, ये जो इन्हें अवार्ड मिला है पर्यावरण क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए। किस क्षेत्र में? पर्यावरण के क्षेत्र में। आपने सुना होगा जो पेरिस क्लाइमेट चेंज एक समझौता हुआ था, उससे क्या हुआ? जो विकसित कंट्रियां थी वो सब बाहर हो रही थी, और क्योंकि अब इन लोगों ने तो अपना विकास कर लिया, कोयला आया, खूब इसका यूज किया, खूब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करी, कई चीज़ों का उत्पादन किया, अब विकसित हो गए। तो अब छोटे जो छोटे जो देश हैं उनसे कह रहे हैं कि भैया अब तुम कोयला ना यूज करो, अब तुम ये ना यूज करो, इससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तो कई सारी चीज़ें, तो छोटी कंट्री ने मना कर दिया कि भैया तुम तो विकसित हो गए, हमें विकसित नहीं होने दे रहे, हम तो अविकसित हैं, अभी विकासशील हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसे समझौते पर साइन किया और पर्यावरण के लिए अपना योगदान दिया। अब उसका इन्होंने अल्टरनेटिव निकाला कि भैया हम कोयले का कम यूज करेंगे, कोयले का यूज कम करेंगे, इसके अपेक्षा हम सोलर, मतलब जो सूर्य ऊर्जा होती है, सूर्य ऊर्जा, इसका उपयोग करें। तो इसके क्षेत्र में जो है ना नरेंद्र मोदी जी ने काफी बड़े बड़े कदम उठाए। अभी इन्होंने रिसेंट में एक समझौता किया है, सौर समझौता, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता दूंगा नीचे। पहले इसका थोड़ा सा हम कंटेस्ट देख लेते हैं अपने इस चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए। पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए सम्मान दिया जाता है। दरअसल पीएम मोदी को सतत विकास, जलवायु परिवर्तन पर अपने अनुकरणीय नेतृत्व और सकारात्मक कदम उठाने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नेतृत्व में, तो नरेंद्र मोदी जो हैं इनका एक अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है, इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है नरेंद्र मोदी जी का इस गठबंधन को बनाने में, सौर ऊर्जा को सारे विश्व तक पहुँचाने में नरेंद्र मोदी जी का एक बड़ा योगदान है, ठीक है। और 2022 तक भारत को एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के संकल्प को लेकर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से चुना गया है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड इसीलिए दिया गया क्योंकि इन्हें पर्यावरण क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे थे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, विदेश मंत्रालय ने इनके बारे में क्या कहा है। टी एस मूर्ति जो विदेश मंत्रालय के सचिव हैं, आर्थिक संबंध के सचिव हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार है यूएन ने दिया, जब मैंने आपको ऊपर बताया कि यूएन ने ये पुरस्कार माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को दिया है, सर्वोच्च पर्यावरण का पुरस्कार है, इसे याद रखिए, सर्वोच्च पुरस्कार है पर्यावरण के क्षेत्र में। यह पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उल्लेखनीय कार्य और सौर गठबंधन की जोरदार पैरवी करने और मतलब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के अलावा संवर्धन को लेकर विश्व मंच पर उनके साहसी पर्यावरण नेतृत्व को एक पहचान देता है। इनकी पहचान पर्यावरण के रूप में कब से बन गई? जब से इन्होंने पेरिस जो क्लाइमेट समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर करके इन्होंने जो है ना पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए इन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान, इसलिए तब से जाने जाते हैं पर्यावरण के लिए। और भी भारत में कई सारी योजनाएं वगैरह चला रहे हैं। तो जो मोटी मोटी बात थी ये थी कि नरेंद्र मोदी जी को मिला चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार, मिला, दिया किसने? यूएन ने दिया, और ये पर्यावरण के क्षेत्र में सबसे टॉप मोस्ट विश्व लेवल पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड लेवल पर प्रथम पुरस्कार है। तो इन चीजों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं चीज़ समझ में आई होगी। मैं टाइम टू टाइम ऐसे जो करंट अफेयर्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लेके आता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे वीडियो शेयर करना किसी को, ताकि आपका तो भला हो ही रहा है औरों का भी भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।